हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आज फिर से स्वागत है। आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करने सीखेंगे कि जैसे हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर। कुछ प्रश्न है उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू एच प्रश्न है, डब्ल्यू एच मतलब जैसे डब्ल्यू एच से शुरू होता है क्वेश्चन। तो यहाँ हम क्वेश्चन जो लिए हैं वो हु, सिर्फ हु से शुरू होने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे उत्तर लिखा जा सकता है। तो यहां जो है पहला क्वेश्चन है हु आर यू, हु मतलब कौन और आर हैं या हो, यू मतलब आप या तुम। तो आप कौन हैं या आप कौन हो, तुम कौन हो, तो तुम कौन हो, इसमें उत्तर क्या लिखेंगे। इसमें बहुत कुछ बच्चे गलत लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, तुम कौन हो। इसका उत्तर तो बहुत कुछ, भले आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ होगा, लेकिन यहाँ हु जो शब्द होता है इसका मतलब सीधे है कि उसका नाम जानना चाह रहा है, यानी आप अपना नाम लिख देंगे आपका आंसर होगा। तो इसमें जो है क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि आप कौन है, यू के बदले में आई का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है और यू के साथ आर का प्रयोग अक्सर होता है। ये यूज करके जान लें कि आई जो सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन वर्ड है, सर्वनाम शब्द है, संज्ञा के बदले में उपयोग किया जाता है। संज्ञा जैसे किसी का नाम है उसके बदले में आई प्रयोग करते हैं, आई एम। अब क्या है, आप अपना नाम बता सकते हैं, आई एम अपना नाम जो भी है वो लिखेंगे, आई एम सुमित कुमार, सुमित कुमार, इसमें एस बड़ा अक्षर होगा, आई एम सुमित कुमार, पुलिस स्टॉप। तो मैं सुमित कुमार हूं, ये आपका आंसर हो गया। अब लंबा लिखा जाए तो बहुत लंबा हो सकता है, कौन सुमित कुमार है, तो वो पूरा एड्रेस देना पड़ जाएगा। तो चलिए आप आगे दूसरा सवाल देखेंगे, ये आंसर आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हु इज योर फादर, आपके पिताजी कौन है, यानी आपके पिताजी जो हैं उसका नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि आपके पिताजी कौन है तो इसका उत्तर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सीधे इसका नाम लिखेंगे, हु का मतलब सीधे नाम लिखना है, यानी लिखेंगे क्या, माई फादर एज, मेरे पिताजी फादर एज, या माय फादर नेम लिख सकते हैं, माय फादर एज मिस्टर रमेश, मेरे पिताजी मिस्टर रमेश है। तो चूंकि माय फादर सिंगल नंबर है, यहाँ एज का प्रयोग है, यहाँ चूंकि माय फादर जो सिंगल नंबर है एक वचन में है, भले फादर को हाँ ये बोलते हैं कि मेरे पिताजी रमेश कुमार हैं, लेकिन हैं यहाँ पर है कि आप भी देंगे, क्योंकि यहाँ एक वचन में है, ये सिंगुलर नंबर इसका ही प्रयोग करेंगे, मेरे पिताजी मिस्टर रमेश है, यानी मिस्टर रमेश इज माय फादर भी बोल सकते हैं, वो की जगह पे मिस्टर रमेश भी लिख सकते हैं पहले, जैसे मान ले जाए कि ये भी सही होगा। इसको आप लिखेंगे, यदि मिस्टर रमेश पहले भी लिखेगा तो हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे मान ले जाए कि मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश की जगह में हो जाएगा, बाकी इज लिखेंगे और योर की जगह में माय फादर, मिस्टर रमेश इज, या पूरा नाम भी लिख सकते हैं मिस्टर रमेश कुमार जो भी है, इज माय फादर, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, इसका मतलब हुआ कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ यानी मुख्य, मिनिस्टर मतलब मंत्री, तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, यानी यहां पर जो है जनरल नॉलेज का भी काम करेगा और इंग्लिश में सेंटेंस भी समझेंगे कि क्या अर्थ होता है ये। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, अभी वर्तमान में जो है ये बताता है, वर्तमान काल का यानी अभी जो प्रेजेंट में होगा है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो लिखेंगे सीधे नाम बता लिखिए, हु के जगह पर श्री या मिस्टर जो देना है, हेमंत सोरेन, श्री हेमंत सोरेन इज द चीफ मिनिस्टर, को शॉर्टकट में सीएम लिख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, इस प्रकार। तो यह हो गया चीफ मिनिस्टर सीएम, भी कभी 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 कोई पूछ सकता है कि झारखंड के सीएम कौन है या हु इज द सीएम ऑफ झारखंड। अब सीएम का मतलब समझ लेना है कि जब झारखंड बोला जा रहा है ऑफ झारखंड और सीएम, तो चीफ मिनिस्टर ही समझना है, यानी मुख्यमंत्री कौन है, यानी उसका नाम बता देते हैं, यदि श्री हेमंत सोरेन सबसे पहले नाम ही लिखना है, या यदि ये नाम नहीं लिखते हैं तो
द पीएम ऑफ झारखंड इज हेमंत सोरेन। तो पहले द पीएम ऑफ झारखंड भी लिख सकते हैं, लेटर लेने का वो भी तरीका होगा। तो इस प्रकार है, जैसे हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ झारखंड ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। इसमें पहले हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं, नाम पहले नहीं लिखेंगे तो भी होगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, क्या लिखेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर, इसको पीएम भी कहते हैं सीधा तौर में, ये पीएम ऑफ इंडिया। यहां इंडिया के पीएम कौन है, सीधे बोलता है कोई, इंडिया के पीएम कौन है। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, इज दे देंगे बाद में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज के बाद नाम दे देंगे श्री नरेंद्र मोदी का। ये शॉर्टकट में नरेंद्र मोदी का पूरा नाम भी लिख सकते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र मोदी, तो ये द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री नरेंद्र मोदी, नाम के बाद भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ हेमंत सोरेन को पहले ले लिया, इस तरह आप एंटर लिख सकते हैं और किसी को अंग्रेजी के उत्तर आप दे सकते हैं कि अंग्रेजी से कैसे बता सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे सवाल है जो बताते रहेंगे आप लोग, वीडियो ये हमारा ये इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश का जो क्वेश्चन आंसर सेशन, देखते रहिए और समझते रहिए। आप ये क्वेश्चन आंसर देने सीख जाएंगे तो आप अपनी टेक्स्ट बुक किताब का भी क्वेश्चन आंसर देने में नहीं हिचकिचाएंगे, वहां भी आप सही सही आंसर दे पाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे, फिर अगले दिन हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, आप लोग अच्छी तरह से समझें। थैंक यू वेरी मच, आज का इतना ही।